आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सेशन आपके 24 से 26 के बच्चों के लिए सिलेबस की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसमें मैं आप सभी लोगों को अभी इस वीडियो में आपके पेपर F10 जिसमें आप सभी लोगों को पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र प्रथम के बारे में जानना और पढ़ना है, इस पेपर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑलरेडी हमने पेपर आपके जो है F9 तक जो है सिलेबस कंप्लीट संपूर्ण जानकारी दे दिया है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। तो चलते हैं पेपर अपने F10 के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पेपर आपका F10 यहाँ पर नजर आ रहा होगा और यह पेपर आपका पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र 1 है, जिसको 50 नंबर का ये पेपर होता है और यह पेपर आपका 35 नंबर का जो है बाहरी परीक्षा होता है और आपका 15 नंबर का जो है ये आपका इंटरनली एग्जाम होता है, वाइवा असाइनमेंट के तौर पर आपको कॉलेज नंबर देती है। तो यह जो पेपर आप देख रहे हैं F10, इसकी बात करेंगे। ऑलरेडी हमने आपका F1 से लेकर आपका F9 तक के संपूर्ण सिलेबस बता दिया है, आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए तो हम यहाँ पर बात करते हैं पेपर आपके F10, जिसमें आपको पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र के बारे में जानना है, यानी मुख्य तौर पर इस पेपर में आपको EVS जानना है। बच्चों को EVS क्यों पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, यह टोटल जो आपका पेपर है आपका F10 ये 50 नंबर का होता है, जिसमें आपका 35 नंबर बाहरी परीक्षा, ये 35 नंबर आपका जो है बाहरी परीक्षा होता है और ये आपका 15 नंबर आपका जो है इंटरनली एग्जाम होता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको टोटल इसमें यूनिट कितने पढ़ने हैं, तो टोटल इसमें यूनिट आपके जो है 4 पढ़ने हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा सिलेबस से पहले कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं पूरे संपूर्ण एक साल का, तो आपको जो है 7903300382 पर आप हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा नोट्स की प्राइस जो है अभी आपको 499 रुपीज में मिल रहे हैं, जो कि ऑफर प्राइस बढ़ गया है और ये ऑफर आपको 5 सितंबर तक मिलेंगे। ऐसे आपके पूरे साल के लिए 9999 लिए जाते हैं, लेकिन आपका ऑफर प्राइस अभी 499 रुपीज है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्राइस में आपको पूरे साल क्लास मिलेंगे, पूरे साल नोट्स मिलेंगे, असाइनमेंट, वाइवा, एक्टिविटी, गेसिंग क्वेश्चन, ओवरऑल आपको जो है मतलब एवरीथिंग आपको मिलेगा। तो आपसे निवेदन है, नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब हम जो है सिलेबस की बात कर लें, तो यहाँ पर आपका पहला इकाई है और पहले इकाई में पर्यावरण अध्ययन का अवधारणा की बात करेंगे। हम पहले इकाई में EVS के जो है कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो पर्यावरण अध्ययन है इसकी अवधारणा क्या है, इसका अर्थ, इसका विशेषता, आवश्यकता क्या क्या है, ये सभी टर्म हम जो है समझेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले आपका यूनिट में यहाँ पर मुख्य तौर पर आपको जो है 5 बिंदु के ऊपर बात करना है। पहला कि प्रकृति एवं क्षेत्र क्या है, उद्देश्य एवं महत्व क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 में और बिहार पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2008 के संदर्भ में आपको पर्यावरण अध्ययन के बारे में जानकारी लेना है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य महत्व क्या है, पर्यावरण अध्ययन का स्टडी जो है NCF 2005 और BCF 2008 के संदर्भ में करेंगे। साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन एकीकृत रूप में जो है उपागम है कैसे है वो भी बात करेंगे। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन का समायोजन और विस्तार, पर्यावरणीय प्रक्रमण थीम और आपका आधार, परिवार, मित्र, जल, भोजन, आवास, यात्रा, वस्तुओं का निर्माण एवं व्यवहार, ये सभी चीजें हम समझेंगे। यानी पर्यावरण अध्ययन के जो है आपके जो है 1 2 3 4 5 और ये 6 आपका पर्यावरण अध्ययन में थीम होते हैं, ये 6 थीम पर आधारित होते हैं। 1 2 5 तक के बच्चों का बुक उसी के ऊपर जानेंगे। तो ये आपका यूनिट 1 में इतना ही पढ़ना है। आगे हम बात कर ले तो यहाँ पर आपका इकाई 2 है, जहां पर देखिएगा पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में हमारा एवं बच्चों का परिवेश कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में हमारा और बच्चों का परिवेश किस प्रकार का होना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों के परिवेश संबंधित अनुभव शिक्षण के आधार के रूप में बात करेंगे, साथ ही साथ परिवेश की विविधता की समझ की बात करेंगे और अपने परिवेश से अन्य परिवेशों की तुलना करेंगे और परिवेश संबंधित सूचनाओं का संग्रहण एवं विश्लेषण करेंगे। तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है आपका यूनिट 2, जिसमें हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित परिवेश की तुलना, विविधता की समझ और सूचना का संग्रहण, विश्लेषण इत्यादि चीज इसमें पढ़ेंगे और जानेंगे। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं इकाई 3 की बात करते हैं। इकाई 3 में आपको पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, शिक्षण अधिगम विधिया के बारे में बात करेंगे कि हम जो है बच्चों को EVS किस विधि के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, किस जो है विधि विधि के माध्यम से
विधि के माध्यम से हम जो है बच्चों को क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका खेल और अन्वेषण विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, परिभ्रमण और सर्वेक्षण विधि है, प्रयोग विधि है, गतिविधि आधारित शिक्षा उपागम है, सामूहिक क्रियाकलाप है, प्रदर्शन, चर्चा व संवाद आधारित विमर्श है। ये जो है विभिन्न विधियां है, ये क्या है, ये आपका जो है विभिन्न जो है विधियां है जो कि आपको ईवीएस को पढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ईवीएस को पढ़ाने में क्या करती है, पढ़ाने में मतलब कि महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो है अपनी भूमिका अदा करती है, समझ गए। तो ये सारी विधियां है जो कि यूनिट थर्ड में पढ़ना है। और आगे बढ़ते हैं, अब हम इसके यूनिट फोर की बात करते हैं जो कि आपका अंतिम इकाई है। यहाँ देख सकते हैं पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका और आकलन और मूल्यांकन की बात करेंगे। यानी ईवीएस पढ़ाने के दौरान शिक्षक की क्या भूमिका होती है और शिक्षक जो है कैसे ईवीएस के स्टडी में आकलन और मूल्यांकन करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें भी मुख्य तौर पर आपको चार बिंदु के बारे में पढ़ना है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है और कक्षा के बाहर और भीतर गतिविधि का आयोजन एवं संगठन की बात करेंगे, कैसे जुटाओ सामग्री उसके बात करेंगे, आकलन करने के लिए जो है अपने अध्यापक कार्य का विश्लेषण एवं सुधार के आधार पर विद्यार्थियों के कार्य के बहु आयामी आकलन पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीखने के संकेतक के समझ के रूप में और आकलन संबंधित सूचनाओं का इस्तेमाल रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर हम बच्चों का आकलन करेंगे। तो ये जो है आपका इसमें मुख्य तौर पर इस पॉइंट में आपको शिक्षक की भूमिका और आकलन और मूल्यांकन के बारे में जानना है ईवीएस के संदर्भ में। तो इसके साथ ही जो है आपका पेपर F10 जिसमें आपको ईवीएस का स्टडी करना है, इसमें टोटल हमने चार यूनिट का आपको सिलेबस बता दिया, इतना ही आपको पढ़ना है पूरे फर्स्ट ईयर में। इसी का एग्जाम होगा 50 नंबर के लिए, समझ गए। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं संपूर्ण फर्स्ट ईयर का तो आपको यहाँ पर 7903300382 नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, संपूर्ण जानकारी आपको वहां पर मिलेगी और आप नोट्स ले लीजिए, ऑफर प्राइस आपका 499 में अभी मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।